कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर के अंदर जारी हैं। केस चल रहा था साल 2019 से, इसमें मजीद अब पेशरफ्त हुई है और किश्तवाड़ के 6 लोग यानी 3 इनमें मिलिटेंट और 3 उनके मददगार पुलिस के बयान के मुताबिक जिनके खिलाफ चार्जशीट अब दाखिल कर दी गई है। हिज्ब नामी तंजीम से 3 मिलिटेंटों का जो उनकी वाबस्ती थी वो इस तंजीम से है और किश्तवाड़ जिले के अंदर मिलिटेंसी को फरोग देने का इन सभी पर इल्जाम है। 2019 में हथियार छीनने के मामले में भी तहकीकात इस वक्त चल रही है। साल 2019 में डिप्टी कमिश्नर के एक जाति मुआफिस से हथियार छीनने का भी जो मामला सामने आया था और उसके बाद ये जो 6 तस्वीरें देख रहे हैं, 3 लोग जो मिलिटेंट्स पुलिस बयान के मुताबिक 3 लोग ओजीडब्ल्यू के तौर काम कर रहे थे और उनकी मददगार जिले के अंदर साबित हुए, जिसके बाद कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अजय शान हमारे नुमाइंदे किश्तवाड़ से हमारे साथ हैं। अजय, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? एनआईए ने जो ताजा रिलीज जारी की है उस बयान के मुताबिक क्या कुछ डिटेल्स हैं? देखिए आसिफ, किश्तवाड़ में साल 2018 फर्स्ट नवंबर को जो परिहार ब्रह्मदो जो ब्रदर्स थे उनकी किलिंग हुई थी, उसके बाद डीसी के बॉडीगार्ड के जो वेपन था, सर्विस वेपन था, वो छीना गया था और अप्रैल 19 को ही चंद्रकांत शर्मा जो एक आरएसएल लीडर थे उनकी हत्या की गई थी। तो उसके बाद जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद डिमांड पर ये सारे केसेस जो थे एनआईए को सौंप दिए गए थे, तो ये सारे मामले जो थे एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उसी मामले में जो डीसी के बॉडीगार्ड का वेपन छीनने का मामला था उसमें ये चार्जशीट दाखिल की गई है और उसमें जहां 3 मिलिटेंट जिनको पहले ही एनकाउंटर में मारा गया है उनका नाम भी डाला गया है और ये 3 लोग जो हैं जिसमें से जाफर हुसैन किश्तवाड़ का है, तारक हुसैन भी किश्तवाड़ का और तनवीर अहमद मलिक ये टाटा डोडा का है, इन पर ये इल्जाम है कि इन्होंने जहां लॉजिस्टिक सपोर्ट की है मिलिटेंट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए, वहीं इन्होंने रिवाइव करने में भी इनका पूरा साथ दिया है। तो उसी को लेकर ये कहीं ना कहीं ये जो एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन की है उसकी चार्जशीट फाइल की गई है। तो अब इनका ट्रायल होगा, देखना होगा कि उसमें क्या कुछ रिजल्ट सामने आते हैं, लेकिन फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। जी एक चीज और भी बताइएगा, जो 3 लोग इनके मददगार बताए जाते हैं जो चार्जशीट में भी फाइल किया गया है, इन सभी लोगों की क्या गिरफ्तारी ऑलरेडी हुई है या सिर्फ केस अभी फिल हुआ है? बिल्कुल, ये 3 जो है ये गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें जो एक है पुंजाला वाला केस, इसकी प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं एनआईए ने वो सील की है। तो कार्रवाई जो है निचले लेवल पर भी हुई है और जिसके बाद ही एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। तो चलिए अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये ताजा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। इससे पहले कि हम अपनी फोन